नमस्कार, धाकड़ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित, एक बार फिर छात्राओं ने मारी बाजी। धाकड़ लाइव न्यूज जो रखे आपको हर खबर से अपडेट। जगह जगह पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा परिणाम में सफल हुए अभ्यर्थियों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। बात करेगा झालावाड़ में तो सुनेल क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ी से निशा धाकड़, उसकी मित्र हेमलता पाटीदार और प्रियंका धाकड़ ने भी तृतीय श्रेणी बनकर अध्यापक के रूप में एक नया संदेश युवा साथियों को, अपने मित्रों को दिया है और एक बार गर्व का अनुभव करने का अवसर दिया है अपने माता पिता परिवारजनों और गुरुजनों को। आप देख सकते हैं वीडियो में निशा धाकड़ की छोटी बहन निशा को माला पहनाते हुए। निशा धाकड़ की छोटी बहन सोनम धाकड़ भी 12वीं कला वर्ग में झालावाड़ जिला में टॉप कर चुकी है, कलेक्टर साहब से सम्मानित हुई है। प्रियंका धाकड़ जो कि रेड ड्रेस में है वो भी निशा धाकड़ माला पहना रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से निशा धाकड़, प्रियंका धाकड़, हेमलता पाटीदार अपने तमाम सभी मित्र साथियों के साथ मिलकर निशा धाकड़ के घर पर एक बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। पटाखे केक काटते हुए, खास बात ये तीनों ही मित्र एक साथ अपने पढ़ाई करते थे और तीनों मित्र रहे और तीनों ने अपनी सफलता का जश्न भी एक साथ एक केक पर अपना तीनों का नाम लिखा हुआ काट कर इसका जश्न मनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि निशा धाकड़ के जो दादाजी हैं वह स्वयं इन तीनों बेटियों को केक खिलाकर सफलता का जश्न मना रहे हैं। सभी परिवार रिश्तेदार सभी इस जगह पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और किस प्रकार से सभी उत्साहित हैं। निश्चित रूप से इन तीनों बेटियों ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होकर न केवल सफलता अर्जित की बल्कि एक बड़ा संदेश दिया है बेटियों को फिर से गर्व करने का और आगे जोश से बढ़ने का अवसर और सम्मान से समय दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निशा धाकड़ के माता पिता राजेश जी, उनकी धर्मपत्नी, तीनों बेटियों को केक खिलाते हुए निशा को भी केक खिलवाया जा रहा है। न जाने कितनी बार पापा और मम्मी के पैरों में छाले पड़े होंगे, मेहनत की होगी तब जाकर कहीं अपने बेटियों को पढ़ाया और लिखाया और आज तीनों बेटियों ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। निशा धाकड़, हेमलता पाटीदार और प्रियंका धाकड़ तीनों खास मित्र रही है और इनका कहना था कि तीनों एक साथ सफल हुई, अगर हम तीनों में से एक भी कोई असफल होती तो हमें इतना ही दुख होता। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जश्न मनाए हुए हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रियंका धाकड़ के पिताजी हैं। प्रियंका धाकड़ की अगर बात की जाए तो ये भवानी मंडी क्षेत्र के पीपलिया हरिपुरा राजपुरा गांव से अपना संबंध रखती है। प्रियंका धाकड़ ने भी अपनी खूब सारी मेहनत की और अपने पिता और माता रिश्तेदारों को गर्व करने का अवसर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं निशा धाकड़ के जो अंकल हैं शिवलाल जी धाकड़ जो खिलाते जाओ, इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि इन्होंने अपने पूरे परिवार को प्रयास किया है कि शिक्षित हो इनके बेटे और इनकी फैमिली में और भी अन्य जॉब में इस वक्त सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। तो एक प्रकार से निशा धाकड़ उनकी पूरी फैमिली अब शिक्षित होती जा रही है और सरकारी सेवाओं में अपना योगदान देती जा रही है। जगह जगह से निशा धाकड़ और हेमलता पाटीदार, प्रियंका धाकड़ के छाने वाले मित्र साथी सहयोगी पहुँचे और इस कार्यक्रम में इस जश्न में शामिल हुए। धाकड़ लाइव न्यूज़ इन तीनों बेटियों को, तीनों बहनों को सलाम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निशा धाकड़ की शिवलाल जी धाकड़ और मामी जी प्रत्याखड़ी झलरा पटन ब्लॉक से, उन स्वयं ने भी आकर इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज किया और पूरे कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। निशा धाकड़ को शिवलाल जी धाकड़ से भी बहुत बार प्रेरणा मिली और उसका परिणाम आज तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के रूप में है। निश्चित रूप से ये सब बेटियों के लिए, बेटों के लिए प्रेरणा होगा और जहाँ जहाँ भी ये वीडियो पहुँचेगी ज़रूर निशा धाकड़ के अंकल को आप यहाँ पर देख सकते हैं सफलता का जश्न मनाते हुए किस प्रकार से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जिस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया निश्चित रूप से सफलता का जश्न बहुत ही ज़बरदस्त था। पूरे गाँव में बोरखेड़ी से संबंध रखती है निशा धाकड़, हेमलता पाटीदार
हेमड़ा से प्रियंका धाकड़, राजपुरा सामिया जो कि भवानी मंडी के नज़दीक पड़ता है। तीनों की सफलता से सभी रिश्तेदार, माता पिता, बहन भाई, स्कूल गुरुजन और खासतौर पर हेमड़ा से भी संबंध रहा है निशा का, जहाँ से पढ़ाई। कुल मिला के उनके एसटीसी कॉलेज के छात्र के जीवन के परिचय, कोचिंग स्कूल, और बताया जा रहा था कि इन तीनों विद्यार्थियों ने कोई खास क्लास कोचिंग नहीं की ऑफलाइन। इनकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत शानदार रही। निशा धाकड़ की बहन, आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों बेटियों को, तीनों विद्यार्थी जो शिक्षक बन गई को के खिलाड़ियों सफलता का जश्न मना रहे हैं। तो ये सबके लिए प्रेरणादायी रहेगा आने वाले समय में। दर्शकों, हमारे कवरेज आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें। माई कुसंता फाउंडेशन की ओर से भी इन तीनों शिक्षक बनने तीनों विद्यार्थियों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जरूर आपसे अन्य युवा साथियों को प्रेरणा मिलेगी और देश हित में शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार से आगे बढ़ने में इनका योगदान होगा। धन्यवाद। चाहिए।